सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं कुछ वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे आई है, जो कि मुंबई में बेस है। तो यहाँ पे टोटल 15 पोजीशन है प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू, और टोटल पोजीशन है 15, उसमें से 10 है प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू के लिए और उसमें से 5 है प्रोजेक्ट असिस्टेंट वन के लिए। ओके, उसमें यहाँ पे लिखा है कितना आपको रेमुनेशन या फिर फेलोशिप मिलेगी। PA2 के लिए 35,000 प्लस 24% HR है, और PA1 के लिए मिलेगी ऑलमोस्ट 31,000 प्लस 24% HR है। जो HR होता है जनरली सिटीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, तो मुंबई में है ऑब्वियसली जो ICT है इसका 24% HR है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई। ओके, तो इसका ऑलमोस्ट आपको 35,000 to 36,000 तक मिलेगा HR मिला के, इसका ऑलमोस्ट 40,000 तक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो नेट और गेट, फिर भी आपको यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हो PA के पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट, यू विल गेट 25% 25,000 प्लस HR आपको उतना ही मिलेगा 24%, और 28,000 अगर आप PA2 के पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो तो। ओके, यहाँ पे उस फॉर्म के दिया है, और इस PDF का लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये जाके PDF पढ़ सकते हैं, उनके वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा ये। और यह इसकी लास्ट डेट है 25 मई। ओके, 5 PM तक आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्म है, गूगल फॉर्म में आप पढ़ लीजिए ये वाला फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, देखते हैं कौन सी कितनी पोस्ट में आप MSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर अस। सेकेंड है यहाँ पे लिखा है मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस PA के पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे डिजायरेबल में MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट भी अप्लाई कर सकते, तो दिस कैन यू कैन अप्लाई। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन API इंटरमीडिएट प्रोसेस डेवलपमेंट। ओके, सो अगर MSc ऑर्गेनिक है और थोड़ा सा भी आपके एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो यू कैन अप्लाई हियर। नेक्स्ट पोजिशन सिमिलर है वहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पे कार्बामाजिपाइन और API के बारे में है, तो यहाँ पे भी MSc डिजायरेबल में MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बट मेन है आपका फार्मास्यूटिकल जो एसेंशियल है। अगर फार्मास्यूटिकल नहीं है लेकिन MSc ऑर्गेनिक है तो दोस कैन अप्लाई। ओके, सेम है 0 to 1 year का एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कौन सी उसको ड्यूटी परफॉर्म करनी है, डिजाइन द सिंथेसिस और परफॉर्म वेरियस रिएक्शन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल साइंस की। इसके बाद है जो इंपॉर्टेंट है जो केमिस्ट्री के लिए है, दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व जो सिंथेसिस है 2-cyano-4-methyl बाय फिनाइल। ओके, मिथाइल बाय फिनाइल, तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, तो यहाँ पे बोला है कि 2 to 3 years ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन प्रोसेस केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे कोई जनरल केमिस्ट्री के बारे में बताएगा स्पेसिफिकली, लेकिन प्रोजेक्ट देख के आप प्रोजेक्ट का टाइटल देख के बता सकते हो कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा सुटेबल है, जिनके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिग्री और थोड़ा एक्सपीरियंस हो सिंथेसिस में, सो दोस कैन अप्लाई हियर। ओके, नेक्स्ट जो है वो बायोकेमिकल बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए है, ये वाली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। देन वी हैव दिस इज ऑल्सो फॉर टोटली फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। ओके, प्रोजेक्ट टू M1-amino-anthraquinone, तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा है लेकिन जनरली आप देखें दिस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट यू कैन अप्लाई हियर। लेकिन साथ ही साथ डिजायरेबल ने 2 year एक्सपीरियंस पूछा है इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पे नेट गेट किधर भी कंपलसरी नहीं है। ओके, अगर आपके पास नेट गेट है वेल एंड गुड, आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे स्केल इसमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी इसके लिए हाइड्रोसाइकल सिंथेसिस है, तो ये भी आपका MSc केमिस्ट्री है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया लेकिन आप प्रोजेक्ट देख सकते, दिस इज सुटेबल फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, मिनिमम 2 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ओके, देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी। ओके, MTech है यहाँ पे, और ये भी बायोकेमिकल है। और देन दिस इज ऑल्सो फूड टेक्नोलॉजी। ओके, दिस इज टेक्सटाइल के लिए है। अगर आप में से कोई दूसरे फील्ड वाला ये वीडियो देख रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये इतनी ऑलमोस्ट 5 to 6 वैकेंसी है केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे। ओके, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस PDF का आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कितना है। और फास्ट के पेज में यहाँ पे फॉर्म का लिंक दे दिया है गूगल फॉर्म का, आप जहाँ पे जाके आके पूरे डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हो और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। लास्ट डेट देखिए 25 मई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप MSc और एक्सपीरियंस के साथ हो, भले आपके पास नेट गेट नहीं है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस MSc है, नेट गेट है, तो ऑलमोस्ट आपका ये जनरली जो होता है, जो अमाउंट होता है जनरली SRF का अमाउंट होता है, और ये जनरली जो अमाउंट है अभी करंटली JRF के लिए मिलता है। ओके, अगर आपके पास गेट भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, सिंस यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइड इन गेट CSR नेट, तो यहाँ पे JRF की भी ज़रूरत नहीं, गेट क्लियर हो या फिर नेट भी LS क्लियर हो तो भी चल सकता है। ओके, तो
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।